अभी वज़ीरे आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा ने नोटिस ले लिया है इस वाक़े का, जो वीडियो हमारे सामने आई है सूबाई वज़ीर शेर अली गोरशानी की। अब क्या इस्तीफ़ा भी दिया जाएगा गोरशानी साहब से? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया जी। उनको एक फेयर चांस दिया गया है अपनी एक्सप्लेनेशन के लिए। ये आपको पता है कि इस वक्त बहुत सारी समझ नहीं आता, जो कुछ डिजिटल मीडिया पे आता है वो फेक है, वो दुरुस्त है, वो नहीं दुरुस्त है। इवन देन जो है वो चीफ मिनिस्टर साहबा की एक जीरो टॉलरेंस है इस हवाले से। और जैसे ही ये न्यूज़ सरफेस हुई तो इसके ऊपर कल जो है उन्होंने ये कमेटी भी बना दी थी और ये नोटिस भी ले लिया था। 3 दिन के अंदर जो है वो गोचानी साहब को जवाब जो है वो जमा कराने के लिए कहा गया है, और उस जवाब के बाद जो है वो फिर अब अगला जो फैसला है उसका अनाउंसमेंट किया जाएगा। लेकिन तब तक उन्हें काम करने से तो रोक देना चाहिए था ना। रोक दिया जी, वो उनको रोक दिया बतौर वजीर काम करने से रोका है उन्हें? जी, बिल्कुल रोका जी। वो बिल्कुल अपनी किसी भी महकमाना जो है वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। वो 3 दिन जो है वो जवाब जमा कराने के लिए जो उनको दिए गए हैं वो उसके ऊपर है। उनको किसी भी तरह का महकमाना काम वो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये तो नटशेल है, वो मान रहे हैं कि ये मेरी वीडियो है, मेरी बात तो हमारी भी बात हुई, वो कह रहे हैं मेरी वीडियो है, लेकिन वो ये भी नहीं कह रहे डॉक्टर्ड है। तो जब वो लेन देन की खुली बात है तो फिर इसमें इंक्वायरी वाली क्या बात है? गिरफ्तार करा देना चाहिए था, एंटी करप्शन को इंक्वायरी करने देते, आम अफसर पकड़ा जाए तो इंक्वायरी एंटी करप्शन, वजीर के लिए कमेटी। नहीं, ऐसे ऐसे नहीं है। इसमें मुजफ्फर साहब, आप समझदार आदमी हैं। हर एक शख्स को अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका तो अदालतें भी देती हैं, और अदालतें भी इसीलिए बनती हैं कि आप अपनी आप को बेगुनाह साबित कर सकते हैं तो कर लें। सो इसलिए उनको एक फेयर चांस दिया गया है। और जाहिर है उस कमेटी ने जो जवाब उन्होंने आपको जमा कराया है वो जवाब वो उनको जाहिर है उस कमेटी को भी जमा कराना पड़ेगा, और उसके बाद जो चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं जाहिर है वो इसके ऊपर जो भी अप्रोप्रिएट फैसला जो है वो समझेंगी, वो जाहिर है उसको जो है वो अनाउंस करेंगे। तो अब तो वैसे ही 1 दिन रह गया है। अब मेरा ख्याल है 1 दिन का इंतजार कर लेते हैं, उसके बाद पता चल जाएगा कि उनका जवाब क्या है और क्या चीफ मिनिस्टर साहिबा सही, जो है उस जवाब से मुतमईन है या नहीं, और वो क्या एक्सट्रीम स्टेप उठाना चाहती हैं, ये यकीन वो फैसला ठीक फरमाएंगी। है। अजमा, आपको नहीं लगता कि ओपन एंड शट केस है करप्शन का? उसके बावजूद एक वीडियो सामने आती है गुरशानी साहब की, जिसमें वो ये क्लेम कर रहे हैं कि अगर मुझ पर 1 रुपए की भी करप्शन साबित हो जाती है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अभी भी उनको कोई और क्लैरिफिकेशन चाहिए? देखो, यही तो बात है कि वो कुछ और कह रहे हैं ना, तो उनको एक मौका देने में एक हर्ज नहीं है। उनके मुताबिक जो है उन्होंने कोई करप्शन नहीं की, उनके मुताबिक उनको जो है वो इस वीडियो के ऊपर कोई प्रॉब्लम उनके मुताबिक अगर नहीं है तो वो जवाब जमा करा देंगे, और जवाब जमा कराने के बाद जो है वो जाहिर है उनको, जैसे मैंने कहा कि उनकी सजा और जजा का फैसला जो है वो उस वक्त हो जाएगा। और 3 दिन बहुत थोड़ा टाइम होता है। 3 दिन के अंदर जो है इस मामले को देखिए, बहुत सारी ये भी तो आप देखिए कि इसके ऊपर अभी जो हमारा केपीके है, जहां पर पिछले 11 साल से तब्दीली की हुकूमत है, नया पाकिस्तान वहां बन रहा है, वहां पर बकायदा करप्शन के चार्जेस के ऊपर एक कमेटी बनाई गई है बाहर से ला के लोगों की, कि वो इनके ऊपर नजर रखें। मेरी चीफ मिनिस्टर जो है उसकी जीरो टॉलरेंस है ये देखा, ये कि ये वीडियो सही है गलत है, ये इसके ऊपर क्या बात है, क्या मामलात हो रहे हैं। उन्होंने सिर्फ 3 दिन का एक टाइम दिया है कि उसके अंदर वजीर साहब जो है वो अगर अपने आप को बेगुनाह साबित कर ले वेल एंड गुड, और अगर वो बेगुनाह साबित नहीं कर पाते तो फिर जाहिर है जो जो एक्शन है वो उनके खिलाफ लिया जाएगा। देखें, जो अकाउंटेबिलिटी का असूल है, मतलब आप अपने वजीर की खुद ही अकाउंटेबिलिटी तो नहीं कर सकते। एक मतलब वजीर आपका ही दूसरे सजा। वजीर का एहतसाब कैसे करेगा? यहाँ तो आप बात समझे ना, एक वजीर को एक दूसरे वजीर के एहतसाब पर आपने लगा दिया, तो ये तो कोई इंसाफ का तकाजा नहीं है। या तो आप उनके ऊपर कोई एंटी करप्शन से इंक्वायरी कराते, या आप पुलिस को केस देते, या आप किसी और तफ्तीशी इदारे को देते, नैब को भिजवा देते। आपने तो एक वजीर को दूसरे वजीर की इंक्वायरी पर लगा दिया। हमारे यहाँ पंजाबी में कहा जाता है, माँ बेटियों में आपस में मामला हल हो गया। और फिर भी तहरीरी नहीं जवाब का ऐसा, इंतजार। नहीं, 1 मिनट मुजम्मिल साहब, दो चीजें हैं। पहली तो बात यह है कि उनके खिलाफ कोई जो है वो एहतसाब नहीं हो रहा, उनके लिए सिर्फ चीफ मिनिस्टर साहिबा के लिए जो है वो ये इंक्वायरी की जा रही है ताकि वो अपना फैसला ले सकें। तो उसके बाद दूसरी बात यह है कि इस सारी कॉन्वर्सेशन के अंदर जो वो कह रहे हैं वो उन्होंने करना था, वो हुआ नहीं है। सो इसलिए ये कहना कि एंटी करप्शन जो है वो, चूंकि अगर ये एक्ट हो गया हुआ होता जो एलिजिबली कहा जा रहा है,
अगर वो परफॉर्म हो गया होता फिर सर्कमस्टांसेस और तरह के होते, फिर जाहिर है इसको और तरह से जो है वो डील किया जाता। ये एक होने से पहले की वीडियो है। अब इसीलिए ये जो कमेटी है ये कोई एहतसाब नहीं कर रही, ये चीफ मिनिस्टर साहिबा के जो है वो फैसला लेने के लिए इंक्वायरी कर रही है और वो चीफ मिनिस्टर साहिबा को असिस्ट करने के लिए है। आप तो खुद वकील हैं, पैसे मांगना और पैसे लेना बराबर जुर्म है या आपके ख्याल में चूंकि मांगे हैं लिए नहीं लिहाजा जुर्म नहीं है? आप मुझे ये समझा रही हैं कि उन्होंने पैसे मांगे लेकिन चूंकि लिए नहीं तो लिए नहीं लिहाजा जुर्म का इर्तकाब नहीं हुआ। आप खुद कानून की माहिर हैं, वीक आर्गुमेंट है आपका। रिश्वत लेना और रिश्वत देना या मांगना इक्वली जो है वो गलत है और उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहब की जीरो टॉलरेंस है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा जब आपने कहा कि एहतसाब हो रहा है, मैंने उस पॉइंट पे कहा कि जो आपने कहा एंटी करप्शन में जाना चाहिए और या नैब के अंदर या जो भी बाकी इदारे हैं वो जाहिर है उसके ऊपर भी मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन और उसके बाद जो है वो होता है, वो सब कुछ होगा, अपना जो प्रॉपर कानून अपना रास्ता लेगा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन अभी वजीर साहब के जो है वो मुस्तकबिल का फैसला क्या करना है, ये इसलिए कमेटी बनी है और कमेटी जो है वो उनको वजीर साहब को सुन के जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा को आगाह करेगी कि उनकी राय में जो स्टांस है मिनिस्टर साहब का वो दुरुस्त है या नहीं है, और यकीनन उसके बाद चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो अपना फैसला फरमाएंगी और फैसला जो है वो बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा। और ये मैक्सिमम क्या फैसला हो सकता है? उन्होंने अपनी वीडियो में जो हमसे बात की है वो ये कहा है कि एक सेनेटर साहब हैं जो उनको पर दबाव डाल रहे थे कि ये माइंस उनको दे दी जाए, तो मैंने सेनेटर साहब का दिल रखने के लिए कहा कि अच्छा आपको दे देंगे। तो ये वो तो कह रहे हैं, वो ये मान रहे हैं कि उन्होंने ये सारी गुफ्तगू की है, लेकिन वो तो एक और सेनेटर को भी बीच में मुलव्वस कर रहे हैं। देखिए वो सेनेटर साहब हो या वो कोई एबीसीडी हो, उनको बिल्कुल जो है वो ये ना अलाउड था, ना वो इस तरह से जो है वो इसको बाईपास करके प्रोसेस को और एक फेवर जो है वो देने की जो बात कर रहे हैं वो अनएक्सेप्टेबल है। चीफ मिनिस्टर साहिबा कतई तौर पर इसको बाय नहीं करती हैं और इसीलिए उन्होंने इसके ऊपर खुद नोटिस लिया है। इस बात को प्लीज अप्रिशिएट करें कि इससे पहले कि कोई और कहता, इसके पहले कि वो मीडिया पे आ जाती, इससे पहले कि वो जो है वो आप लोग हमारी जो है वो हमारी क्लास ले रहे होते, चीफ मिनिस्टर साहिबा ने खुद ही जैसे उनके नॉलेज में आई उन्होंने कहा कि अनएक्सेप्टेबल है ये गुफ्तगू जो है और ये क्राइम हुआ है नहीं हुआ है, कितना हुआ है क्या हुआ है, ये सब जो है ये इमटेरियल है और मुझे जो है वो इसके ऊपर मैं कतई तौर अगर कमेटी उनके खिलाफ रिपोर्ट देती है तो आपको गोरचानी साहब को हथकड़ियां लगती नजर आ रही हैं? मैं समझती हूँ कि एक दिन का इंतजार कर लेते हैं। इसका मतलब है कि जवाब तहरीरी जवाब तसली बख्श होगा जितना टाइम दिया जा रहा है, बिकॉज ये पंजाब गवर्नमेंट को सेटिस्फाई करने की कोशिश की जा रही है जहां तक अभी नजर आ रहा है। टाइम लेने की तो बात ही नहीं है, तीन दिन से कम क्या ही टाइम होता है पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो फैक्ट है वो तो फैक्ट है ना, और वो उसको मान भी रहे हैं कि ये फैक्चुअल पोजीशन है, तो वो टाइम ना देने वाली तो बात ही नहीं है। ये जाहिर है जो उन्होंने जिसके ऊपर क्या गुफ्तगू थी, क्या बैकग्राउंड था, ये सब कुछ चीजें क्या चल रही थी, ये उनको बतानी पड़ेंगी, उनको बताना होगा। लेकिन किसी भी बैकग्राउंड में ये गुफ्तगू तो काबिले कबूल नहीं हो सकती। आपने चाहे किसी का दिल रखने के लिए की है या दिल तोड़ने के लिए की है, ये गुफ्तगू एक वजीर का शयाने शान तो नहीं है। नहीं, ये एक्सक्यूज भी नहीं है, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। मैंने तो जैसे कहा सेनेटर हो या जो मर्जी हो उसको आप आउट ऑफ द वे फेवर देने की बात कर रहे हैं, रूल्स रेगुलेशंस को जो है वो बिल्कुल सबोटाज करके, और आप इस तरह से वो कतई तौर पर नाकाबले कबूल है, इसलिए तो इतना सख्त नोटिस लिया गया है और इसीलिए जो है वो उसके ऊपर बड़ी सख्त कार्रवाई जो है वो होने जा रही है।